यू, वेरी गुड मॉर्निंग। नंबर सिस्टम में एक चैप्टर, नंबर सिस्टम चैप्टर एरिथमेटिक में है, उसको टुडे डिस्कस करेंगे। नंबर सिस्टम वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर होता है, किसी भी एग्ज़ाम का व्यू से, किसी भी एग्ज़ाम में एरिथमेटिक में नंबर सिस्टम हुआ या डिफरेंट डिफरेंट चैप्टर जो है वेरी इंपॉर्टेंट है कंपटिटिव एग्ज़ाम का व्यू से। तो नंबर सिस्टम चैप्टर में कुछ सम को हम ये मेंशन किए हुए हैं बोर्ड पर, इसको सॉल्व करना है, वैल्यू फाइंड करना है। इफ़ एक्स बाई वाई का वैल्यू दिया हुआ है 3/4, देन द नंबर ऑफ, देन द वैल्यू ऑफ, इसका वैल्यू क्या आएगा। नंबर सिस्टम में कुछ ट्रिक होते हैं जिससे आपका सम बहुत कम समय में सॉल्व हो जाएगा, उस पर भी ध्यान देना है। एक तरीका, एक मेथड, एक सर्टेन वे को एडॉप्ट करना है। तो इसमें जो है एक्स बाई वाई का वैल्यू 3/4 है, जो दिया हुआ है उसको सबसे पहले आप देख लीजिए और क्या फाइंड करना है वो देख लीजिए क्या दिया हुआ है। जैसे हमारे पास दिया हुआ है 6/7 और वाई माइनस एक्स और वाई प्लस एक्स, वाई माइनस एक्स वाई प्लस एक्स, इसका न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में, इसका न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में वाई से डिवाइड कर दीजिए। इस टर्म में, ये जो टर्म है इसमें डिवाइड करेंगे, इसको डिवाइड करेंगे न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर है ना, बाई वाई, वाई से हम डिवाइड करेंगे। तो 6/7, 1 माइनस एक्स बाई वाई, 1 प्लस एक्स बाई वाई, एक्स बाई वाई, 6/7, 1 माइनस एक्स बाई वाई का वैल्यू हमारे पास क्वेश्चन में दिया हुआ है 3/4 हो गया, 1 प्लस 3/4, 6/7, और इसको सॉल्व कर लेंगे। 4 × 1 = 4 और 3 सब्ट्रैक्ट हो गया 1/4, 4 × 1 = 4, 3 एडिंग हो गया 7/4, 4 कैंसिल हो गया, 6/7, 1/7, 7/7 डिवाइड कर दीजिए, 1 आंसर आ गया। इस तरह से तरीका को, मेथड को जान करके आप नंबर सिस्टम में डिफरेंट डिफरेंट जो सम दिया हुआ है बहुत कम समय में आप सॉल्व कर सकते हैं। नंबर सिस्टम मीन्स क्या हो गया, डिफरेंट नंबर्स का कलेक्टिव स्टडी, डिफरेंट नंबर का कलेक्टिव स्टडी जो हुआ उसको हम लोग नंबर सिस्टम कहते हैं। वो नेचुरल नंबर्स हो, होल नंबर हो, प्राइम नंबर हो, है ना, को प्राइम नंबर हो, रेशनल हो, इरेशनल हो, ऑल टाइप्स का जो नंबर है बिलोंग टू जो दो आर ये रियल नंबर्स, तो कलेक्टिव फॉर्म्स ऑफ नंबर जो है, डिफरेंट डिफरेंट नंबर का कलेक्टिव फॉर्म का जो स्टडी हो नंबर सिस्टम होगा। सेकेंड सम उसी तरह का है, हमारा जो वैल्यू फाइंड करना है, हमारा जो वैल्यू जो निकालना है सेकेंड सम का, जो वैल्यू निकालना है ये 3a + 2b और 3a - 2b ऐसा दिया हुआ है हमारे पास। सबसे पहले हम क्वेश्चन में देखेंगे a/b का वैल्यू है 3/4, तो यहाँ पर a/b आना चाहिए, a/b, तो इसका न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर को जो है, डिनोमिनेटर को डिवाइड करेंगे, डिवाइड बाई, मान ली हम इसको डिवाइड करते हैं, a को रखना है b से, जो ही b से डिवाइड करेंगे 3 a/b, ये तो डिवाइड करेंगे b से कैंसिल हो गया, b 3a/b, b से डिवाइड करेंगे कैंसिल हो गया, a/b का वैल्यू हमारे पास दिया हुआ है 4/3 + 2, 3 4/3 - 2, 3 कैंसिल हो गया, ये 6 और 4 - 2 6/2, यानी आंसर आ गया 3, कितना गया आंसर 3। इस तरह से सेकेंड सम का भी आंसर आ गया। सिर्फ मेथड को जानना है और बहुत कम समय में आप नंबर सिस्टम से और कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में 2-4-5 सम जो है, कम से कम 2-3 सम, 4-5 सम जरूर नंबर सिस्टम बेस रहता है, नंबर सिस्टम बेस चैप्टर से 2-3 सम तो कम से कम ज़रूर आपको मिल जाएगा। ये
थर्ड जो क्वेश्चन दिया हुआ है, 1 - 1/3 ये डॉट है या प्रोडक्ट है, 2 - 3/5 1 - 1 है, यहाँ भी 1 है, 1 - सबका ये सीक्वेंस देख लेना है, 1 - 1/3, 1 - 3/2, 1 - 1/5 - 1 - 1/n, ऐसा दिया हुआ है। इसको हमको सॉल्व करना है, तो यहाँ एलसीएम लेंगे, ये सब्ट्रैक्ट हो गया 2/3, एलसीएम लेंगे ये सब्ट्रैक्ट हो गया, ये 5 - 3/5, ये 5 - 1 = 5, 1 घट गया 4/5 - n1 = n -1/n, 2/3, 2/ ये 2/5, ये 2/5, 2/5 जो है इसमें 2/5, ये 2/3 समझो नंबर सिस्टम 20 है, इसमें थोड़ा सा ध्यान देने की ज़रूरत है। ये भी बहुत आसान है, ये थर्ड सम जो है 1 - 1/3, 1 - 1/4, 1 - 1/5 .. 1 - 1/n, ऐसा दिया हुआ है, इसको फाइंड करना है। 3 - 1 = 3 और 1 सब्ट्रैक्ट हो गया 2/3, 4 - 1 = 4 1 सब्ट्रैक्ट हो गया 3/4, 5 - 1 = 5 1 सब्ट्रैक्ट हो गया तो 4/5, इस तरह से n1 - n 1 सब्ट्रैक्ट हो गया n - 1/n, इसमें क्या है, इस तरह से कहीं ये भी कैंसिल हो गया 2/n। यदि हम मेथड को नहीं जानते हैं, तरीका को नहीं जानते हैं, इसको सॉल्व करके बहुत दूर तक n टर्म को निकालने में आपको बहुत समय लगेगा। n जानते हैं तो डायगोनली ये है, सो सब कैंसिल होते चला गया, ये 2 - n ये हो गया। सेकेंड्स ये फोर्थ सम भी है, इसी तरह से है, थोड़ा सा एग्जाम में लगेगा कि बहुत समय लग जाएगा, लेकिन आप मेथड तरीका को समझते हैं तो बहुत कम समय में सॉल्व हो जाएगा। फोर जो है ये 2 - 1/3, 2 - 3/5, 2 - 5/7, इस तरह से 2 - 9 - 7/9, ऐसा है। 3 यहाँ भी एलसीएम लेंगे, 3 - 2 = 6, 1 घट गया 5/3, 5 - 2 = 10, 3 घट गया 7/5, 7 - 2 = 14, 5 घट गया 9/7, इस तरह से इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 - 9 - 9 - 1 और 9 - 9 - 7 सब्ट्रैक्ट हो गया 1001/997। अब देखेंगे डायगोनली किस तरह से ये कैंसिल हो रहा है, इस तरह से डायगोनली कैंसिल हो गया, अब आपके पास बच गया 1001/3, इस तरह से सॉल्व हो गया। देखने में कितना टफ लग रहा है, कितना लेंदी लग रहा है, ये सॉल्व देखिए कितना आसान है। इसलिए इस तरीका को अडॉप्ट करिए, नंबर सिस्टम का सब सम में ट्रिक होता है, बहुत कम समय में आप सम को बना लीजिएगा। फोर्थ एक ये फिफ्थ एक सम दिया हुआ है, इसमें ए का वैल्यू दिया हुआ है 16, बी का वैल्यू दिया हुआ है 15। अब फाइंड करने बोल रहा है आपको, वैल्यू जो फाइंड करना है ए का स्क्वायर बी का स्क्वायर ए बी और ए का क्यू माइनस बी का क्यू। मान लिया आप नहीं जानते हैं तरीका, आपको आइडेंटिटी पता नहीं है, तरीका नहीं जानते हैं, तो आप बताइए 16 का स्क्वायर 15 का स्क्वायर, 15 × 16 को डिवाइड करना होगा 16 का क्यूब माइनस 15 का क्यूब, टाइम भी बहुत लगेगा आपको, उतना टाइम एग्जाम में होता नहीं, एक सम को मैक्सिमम सॉल्व करने के लिए 1 मिनट से भी कम समय होता है। अब आप फार्मूला को एडॉप्ट करते हैं, आइडेंटिटी को सहारा ये हेल्प लेते हैं, तो बहुत कम समय में इसका वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। तो इसमें ए का वैल्यू जो दिया हुआ है, ये ए का स्क्वायर है, तो एक आइडेंटिटी होता है, 8 क्लास में पढ़े होंगे, ए का क्यूब माइनस बी का क्यूब, ए माइनस बी
ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, तो इसमें ए का स्क्वायर, बी का स्क्वायर, ए बी, ए माइनस बी, ए स्क्वायर, ए बी प्लस बी स्क्वायर, ये आया है। तो क्या देख रहे हैं, इससे ये पूरे कैंसिल हो गया, वन बाई ए माइनस बी, वन बाई ए का वैल्यू 16 दिया हुआ है, बी का वैल्यू 15 दिया हुआ है, वन बाई वन यानी वन आ गया आपका आंसर। इसलिए आइडेंटिटी भी आपको लर्न करना होगा, नंबर सिस्टम में कुछ समय आइडेंटिटी भी यूज करना होगा। आइडेंटिटी यदि यूज करते हैं कम समय में, लेंदी सम जो आपको कॉम्प्लेक्स सम लग रहा है उसको कम समय में आप सॉल्व कीजिएगा। नेक्स्ट एक और क्लास नंबर सिस्टम से जुड़ा हुआ मिलेगा आपको। धन्यवाद।